तो दोस्तों जो लोग मेरे साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि मैं टूरिस्टों के साथ क्यों काम करता हूँ, क्योंकि उनके साथ मुझे भी घूमने को मिले। जैसे कि अभी यहाँ कुछ टूरिस्ट आए हैं और मैं उन्हें लेकर यहाँ पर आया हूँ, तो इसलिए मैं इस वक्त बंगला साहिब में हूँ और खुद भी घूम रहा हूँ और आपको भी घुमा रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं बंगला साहिब के अंदर, आइए। तो दोस्तों यहाँ से हम जा रहे हैं बंगला साहिब के अंदर, और ये जो गेट है ये पड़ता है YMCA एक इंस्टीट्यूट है उसके पास वाला है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे गेट हैं तो आप किसी भी गेट से अंदर आ सकते हैं, बहुत सारे गेट हैं इसके। तो अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो इस गेट से दिखा रहा हूँ। ये लोग कुछ सामान वगैरह लोड कर रहे हैं, एक्चुअली भंडारा वगैरह भी यहीं पर होता है ना, इसलिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा बंगला साहिब घुमा दूंगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल में हमारे साथ घूम रहे हो, तो इसलिए वीडियो पूरा देखना। यहाँ से मुड़ते हैं लेफ्ट, ये देखिए लंगर किचन यहाँ पे बनता है, किचन में लंगर। वैसे तो सबको पता होगा लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि अभी मैं हूँ दिल्ली के सेंट्रल में, यहाँ ये बंगला साहिब क्रांत प्लेस में। ये ऊपर लंगर हॉल, तो पहले मैं ढूंढ रहा हूँ वॉशरूम, उसके बाद कहीं जाऊंगा मैं अंदर। देखिए इसके अंदर मैं जाऊंगा अभी, तो वीडियो देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। मैं आ चुका हूँ वॉशरूम से बाहर और अब चलते हैं बंगला साहिब के अंदर। तो दोस्तों देखो ये है शूज़ निकालने की जगह और ये वाले शूज़ मेरे हैं, चलिए अब चलते हैं अंदर। यहाँ पर पैर धो के फिर अंदर जाना होता है। चलिए पैर धुल गए हमारे, अब चलते हैं अंदर। तो ये है दोस्तों, इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लिखा हुआ है ऊपर, आप चाहें तो देख सकते हैं कि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों बाहर से ही मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर मैं तो ज़रूर जाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ आपको नहीं ले आ सकता, पर मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि अंदर कैसा होता है। तो मैं आता हूँ अंदर से और फिर आसपास की जगह भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से दोस्तों हम आ गए हैं बाहर और इसके सामने की एक बहुत खूबसूरत तालाब बना हुआ है। चलिए नीचे जाने की कोशिश करते हैं, क्या पता ओपन हो। और ये ऊपर तक झंडा देखिए कितना ऊंचा है। अब यहाँ पे क्लोज कर रखा है कोरोना की वजह से, नहीं तो पहले नीचे जाने देते थे, यहाँ पर जितनी भी जगह है यहाँ पर बैठ सकते थे आसपास, पानी के अंदर पैर डाल के बहुत अच्छा लगता था। चलिए कोई नहीं, कबूतर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं।
और ये देखिए कूड़ेदान, आप जब भी आइए या कहीं भी आप जाते हो तो कूड़ेदान का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा ऐसी जगहों पर, और कहीं भी आप घूमने के लिए जाते हैं तो ऐसी सड़कों पर मत फेंक कीजिए। मैं अभी भी कुछ लोगों को देखता हूँ वो ऐसे ही फेंक देते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो यहाँ इनके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम देख सकते हो कितना ऊंचा है। तो चलिए यहाँ से, ये पानी देंगे उसे पीते हैं, चलते हैं बाहर। तो गाइज ये प्रसाद मिला है मुझे, अपने शूज़ पहनते हैं और चलते हैं वापस।